हेलो फ्रेंड्स, लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट जो ICSI के द्वारा सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे वॉलंटरी ऑप्ट आउट फैसिलिटीज़ के लिए, वो ICSI के द्वारा कल ही अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों, जो 4 दिसंबर 2020 को इशू की गई थी नोटिफिकेशंस, उस नोटिफिकेशन में कुछ बातों को कंटिन्यू करते हुए जहाँ पर फैसिलिटी बेसिकली कोविड पेशेंट्स के लिए दी गई थी कि जिन्हें कोविड हो जाता है तो वह अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट कर ऑप्ट आउट ले सकते हैं, और उसकी ड्यू डेट 15 जनवरी 2021 रखी गई थी। दोस्तों, यहां पर देखिए 272nd यानी कि 272वीं मीटिंग के अंदर 19 दिसंबर 2020 को ऑप्ट आउट फैसिलिटी दे दी गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। द ऑप्ट आउट फैसिलिटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर जून 2022, मर्ज विद दिसंबर 2022 एंड दिसंबर 2020 सेशन फॉर एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स में अवेल द ऑप्ट आउट फैसिलिटीज इफ़ दे सो डिज़ायर विदाउट मैंशनिंग एनी स्पेसिफिक रीज़न। दोस्तों, अब आपको किसी भी तरह का कारण प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोविड हुआ है, हमें कफ एंड कोल्ड है, हम ये सब रीज़न प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहता है, जिस भी कारण से, किसी भी रीज़न से जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। दोस्तों, और थर्ड पॉइंट में मैंने जो लिंक दिखा रहा हूँ आपको, इस लिंक पर आप जाइए और ऑप्ट आउट फैसिलिटी के लिए जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को सबमिट कीजिए, भरिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस को, और इस फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, जो किसी भी कारण से एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे और ऑप्ट आउट भी नहीं कर पा रहे थे, वो अब जा सकते हैं। वॉलेंट्री ऑप्ट आउट फैसिलिटी उनके लिए ओपन है। दोस्तों, इस लिंक पर जाकर वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कहा गया है फोर्थ पॉइंट में दोस्तों कि वन टाइम ऑप्ट आउट शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिसंबर 2020 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन बाय कैरिंग फॉरवर्ड द क्रेडिट ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू जून 2021 एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों, अब आप अपनी एग्ज़ाम फीस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, यानी कि जून 2021 के अंदर आपको एग्ज़ाम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने जून 20 और दिसंबर 20 के लिए एग्ज़ाम फीस ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखी है, वो अपने जो भी मॉड्यूल्स ऑप्ट आउट करना चाहते हैं उसके रिगार्ड्स में उन्हें फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट के लिए कहा गया है पॉइंट नंबर 5 में, देखिए, लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग रिक्वेस्ट टू अवेल द ऑप्ट आउट फैसिलिटी विदाउट सेटिंग एनी स्पेसिफिक रीजन्स 31 दिसंबर 2020। यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक आप ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। और सिक्स पॉइंट में तो वो कंटिन्यू रखा गया है उन लोगों के लिए जिन्हें कोविड हो गया है, तो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करते हुए ऑप्ट आउट फैसिलिटी को वो ले सकते हैं। उनकी ड्यू डेट जो पहले रखी गई थी वही है दोस्तों, ये देखिए 15 जनवरी 2021 तक वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 में कहा, इट इज़ क्लेरिफाइड दैट इफ़ एनी स्टूडेंट सबमिटिंग द रिक्वेस्ट फॉर अवेलिंग द ऑप्ट आउट फैसिलिटी ऑलरेडी अपेयरिंग इन द ऑल पेपर्स और मॉड्यूल्स फॉर विच ही और शी इज़ शेड्यूल्ड टू अपियर ड्यूरिंग दिसंबर 2021 सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, सच रिक्वेस्ट विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी रीज़न। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप मॉड्यूल्स दे चुके हैं, मॉड्यूल के सारे पेपर दे चुके हैं, उसके बाद ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि आप सभी पेपर दे चुके हैं दोस्तों, तो अब आपको ऑप्ट आउट नहीं करने दिया जाएगा। आपको, आपने सभी पेपर दे दिए हैं किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के, तो ऑप्ट आउट फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। ऑब्वियसली इस बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 में कहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट थ्रू द अबाउ मैंशनड लिंक, इस लिंक के थ्रू जिस ऑप्ट आउट फैसिलिटी फॉर्म को आपने भर लिया है, स्टूडेंट एनरोल फॉर दिसंबर 2020 सेशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। कहने का मतलब दोस्तों, वो कैंसिल मान लिया जाएगा जिन्होंने ऑप्ट आउट फॉर्म भर दिया है और उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट सेशन जून 21 सेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं जाइए इस लिंक पर,
पॉइंट नंबर थ्री में जो दिया हुआ है उसे फिल कर लीजिए और ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल कर लीजिए जो एग्ज़ाम्स को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर सेकंड साइकिल नहीं प्रोवाइड की गई है दोस्तों एग्ज़ाम्स के रेस्पेक्ट में। इसके बाद एग्ज़ाम जून में ही होंगे, यानी कि जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं वो जून में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे पहले वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और यदि दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।